हाय गाइस, मैं श्वान। आप देख रहे हैं स्टूडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप MIUI 12 या MIUI 12.5 का लॉक स्क्रीन में विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लॉक स्क्रीन में अगर आपको विजेट्स ऐड करना है कुछ ऐसा, तो आप लॉक स्क्रीन में विजेट को ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं, कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस में ये जो ट्रिक है कम्प्लीटली काम करने वाला, जो कि आपको ट्राई करना होगा बस, तो आपको पता चल जाए कैसे जो है इसको आप यूज़ में ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैंडी हो सकता है ये फीचर। तो आप कोई भी ऐप को इससे टॉगल कर सकते हैं, जो भी आपको ऐप चाहिए या जो भी आपको फीचर चाहिए जो आप टॉगल करना चाहते हैं लॉक स्क्रीन में, जो कि आप काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप जो है लॉक स्क्रीन में विजेट को ऐड करके उसको जो यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से म्यूज़िक हो गया, जैसे आपका मतलब की सेटिंग्स हो गया, कुछ भी जो कि आप बहुत रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसको जो आप ऐड कर सकते हैं लॉक स्क्रीन में। जैसे कि व्हाट्सएप भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ आजकल सभी करता है, तो ऑब्वियसली वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐप चाहिए जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस ऐप का नाम लॉक स्क्रीन विजेट्स है, जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल गया होगा। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियली। तो जाइए डाउनलोड कीजिए, फिर ऐप को ओपन कीजिए, फिर आपको ऐप में तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ऐड, प्रीव्यू और 3-डॉट मेन्यू। तो आपको ऐड में जाना है, जो भी आपको विजेट चाहिए वो आप सिलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। तो चाहिए उस विजेट को ऐड कर लिए जो भी आपका जो है रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे कि मैप्स हो गया, आपका हेल्थ ऐप का जो है, आपका वॉच का या फिटनेस ट्रैकर को आप ऐड कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे, UPI, कुछ भी, या आप चाहे तो की डिजिटल वेलबिंग वाला जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन जो है देखने को मिल जाता है, जो कि अपने हिसाब से जो आप ऐड करके क्रिएट कर सकते हैं, अपना लॉक स्क्रीन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। और प्रीव्यू में जो है आप चाहे इसको एडिट भी कर सकते हैं, किसको आपको ऐड करना है, किसको रिमूव करना है, वो भी आपको जो है ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। यस नो का ऑप्शन देख सकते हैं, आपको जो है मिल जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक ट्रिक और काफ़ी अच्छा एक ऐप है, जिसके थ्रू कि आप लॉक स्क्रीन में भी जो है विजेट्स को ऐड कर सकते हैं। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। अगर आप उसका 3-डॉट मेन्यू जाएगा तो आपको अनेबल डिसेबल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बैकअप का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपेयरेंस में आप कलर को अपने हिसाब से बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और आपका जो है मास्किंग मोड ये सब भी सब जो देखने को मिल जाता है। तो ये सब आप अपने हिसाब से जो है टॉगल कर सकते हैं, ये सब सबका अलग प्रेफरेंस होता है, तो ये अपने हिसाब से फिगर आउट कर लीजिए। फिर आपका जो है लॉक, विजेट, फ्रेम, वो भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी अच्छा एक प्रोडक्टिव ऑप्शन है, अगर आपको ऐड करना है कुछ ऐप आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका विजेट का ऑप्शन है। जैसे कि नोट्स का जो है काफ़ी अच्छा विजेट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आप डायरेक्टली टाइप किए लॉक स्क्रीन में ही और आप जो लॉक कर दिए, काम आपका हो गया, ये ऑप्शन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे को लगा कि ये जो है काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक होगा, जो कि आप लॉक स्क्रीन विजेट ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि शायद आपको ये जो है ट्रिक वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आया तो जाइए लाइक कर दीजिए वीडियो को, अब ज़्यादा उससे भी पसंद आ गया तो सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी टैप करके नोटिफिकेशन कॉल में रख सकते हैं। कुछ भी सजेशन, रिकमेंडेशन, कुछ भी पूछना है नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं तो कल कुछ इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और कल मिलेंगी। अगर आप करिएगा चैनल को सब्सक्राइब तो ये आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरा लेटेस्ट कल का वीडियो का। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं कल।